नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्रा में। मित्रों, हम ग्रहों की सीरीज में आज गुरु ग्रह पे बात करने वाले हैं। और जैसे कि आपने पहले भी देखा है, आदरणीय उत्तरा दीदी का एक एक वीडियो, एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी होता है। आज हम उनसे गुरु ग्रह के बारे में सीखेंगे। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। दीपक जी नमस्कार। जैसा कि गुरु नाम से ही है, एक तो गुरु का मतलब होता है टीचर या अध्यापक जो हमें ज्ञान दे। गुरु का मतलब होता है अंधकार और रूह का मतलब उसको मिटाने वाला है। अंधकार को मिटाने वाला वो भी गुरु कहलाता है और उसको हम टीचर इसीलिए कहते हैं, अध्यापक हमारा शिक्षक, हमारा मार्गदर्शक, ये सारी चीजें जो हम गुरु से जोड़ते हैं। सबसे पहले हम गुरु का खगोल ले लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी क्या है इसकी। तो गुरु जो है सूर्य से करीब करीब 500 मिलियन दूर है। यह सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रह है। इसे सौर मंडल का दैत्य भी कह सकते हैं, दैत्य। इसका डायमीटर लगभग 88,000 मील है जो पृथ्वी के डायमीटर से 10 गुना ज्यादा। इसके परिक्रमा पथ का रेडियस भी जो है वो भी 143,00,000 मील है। इसी पर यह चक्कर लगाता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में आप सभी जानते हैं कि 12 वर्ष का समय लगता है। हालांकि यह पृथ्वी से बहुत दूर है किंतु फिर भी आकाश में अत्यंत तेजी से चमकता है। शुक्र और मंगल को छोड़कर सभी ग्रहों से ये चमकीला है। ये सम्माननीय ग्रह है। चांद और सूरज के सामने होने पर भी यह अच्छा सा खूब चमकता है, चाहे वह अमावस्या के बाद का ही दिन क्यों ना। चंद्रमा के उदित रहने पर भी आकाश में नंगी आंखों से हम गुरु को देख सकते। गुरु गोल ग्रह है। इसके दोनों जो ध्रुव हैं, पोल्स जो हैं, वो चपटे हैं और पृथ्वी की तरह यह भी अपनी ध्रुव धुरी पर ही घूमता है। गुरु की बाहरी सतह पूरी तरह से कठोर नहीं है, अतः घूमते समय गुरु कभी एक साथ नहीं रहता। यह अपनी धुरी पर अत्यंत तेजी से घूमता है और 10 घंटे में 10 मिनट रहते हैं तब वो एक चक्कर अपनी धुरी पर लगा लेता है। गुरु के 11 चंद्रमा है, जबकि मंगल के 2 चंद्रमा है और पृथ्वी का 1 चंद्रमा। इसके बारे में क्या क्या मिथक्स हैं वो हम देख लेते हैं, हमारे देश में भी और विदेशों में। बृहस्पति को गुरु माना गया है। दुनिया के सब देशों में बृहस्पति को गुरु ही माना गया है, मतलब टीचर ही माना गया है। भगवान दक्षिण मूर्ति दक्षिण भारत में अंधकार और तिरस्कार को दूर करने के लिए, रोशनी और बुद्धि प्रदान करने के लिए गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दक्षिण भारत के लोग ऐसा मानते हैं, हमारे भारतवर्ष। प्राचीन ग्रीक वासी जो है बृहस्पति को भगवानों का भी भगवान मानते थे, ज्यूस मानते थे, और मिश्र वासी इसे अमोन मानते हैं। नॉर्स जो है वो इसे थोर कहते हैं और बेबीलोन के लोग जो है मेरोइच नाम दिया है ना। गुरु जो है वो न्याय का प्रतीक, इसके अतिरिक्त ईश्वर का प्रतीक है और बुद्धिमत्ता का। शैव जो है, हमारे यहाँ भारतवर्ष में शैव और वैष्णव दो पंथ के लोग हैं, तो शैव लोग जो हैं इनको दक्षिण मूर्ति कहते हैं गुरु को, जबकि वैष्णव लोग से नारायण का अवतार है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है, जबकि शुक्र को असुरों का गुरु माना जाता है। उनका कहना है, कई विद्वानों का, हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी कई जगह लिखा हुआ है कि ये दोनों आपस में शत्रु हैं। जब हम शत्रु और मित्रता देखते हैं तो गुरु का एक सूर्य चंद्र और गुरु एक साथ हो जाते हैं और मंगल शनि राहु ये एक साथ हो जाते हैं आपस में। गुरु जो है देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है वो दैत्यों के या असुरों के गुरु माने गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आपस में शत्रु हुए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जब भी गुरु और शुक्र आपस में आकाश मंडल में मिलते हैं तो वो एक दूसरे का विरोध नहीं करते। फर्क यही है कि गुरु जो है आत्मा के उत्थान के लिए और जातक जो है अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से अधिक न जुड़कर अपनी आत्मा के उत्थान का प्रयास करता है। ये परलोक की उन्नति में सहायक होता है, जबकि शुक्र जो है जीवन की सारी सुख सुविधाओं प्राप्त करने के लिए जोर देता है या उन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें कार है, इत्र है, फर्नीचर है, पलंग है, पत्नी है, प्रेम है, इत्यादि इत्यादि बात। जातक का मन और मस्तिष्क जीवन के सभी सुख भोगने में लगा रहता है, ऐसा शुक्र प्रधान लोग का। अतः उसके पास भगवान के लिए सोचने विचारने या प्रार्थना करने का टाइम भी नहीं होता, वह इसी लोक के सुख प्राप्त करना चाहता। इस प्रकार दोनों ग्रहों की जो मानसिकता है और व्यवहार में जो अंतर है परस्पर विपरीत,
इसी के कारण इन्हें शत्रु समझा जाता है, ताकि हम ये समझ सकें कि गुरु और शुक्र की प्रधानता वाले व्यक्ति किस प्रकार अपना जीवन यापन करते। यदि शुक्र गुरु का शत्रु होता तो गुरु की राशि मीन में कभी भी उच्च का नहीं हो सकती, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन जो लोग इनको शत्रु मानते हैं उनको इस मामले में भी विचार करना चाहिए, इस क्वेश्चन पर भी। किंतु एक चीज और है, इनकी शत्रुता जो है इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि शुक्र की जो राशियां हैं, शुक्र वृषभ और तुला लग्न वाले व्यक्तियों के लिए गुरु अष्टमेश माना हो जाता है, षष्ठेश या अष्टमेश हो जाता है। और गुरु की जो राशियां हैं मीन और धनु, उनके लिए शुक्र षष्ठेश या अष्टमेश हो जाता है, इसलिए इनको अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि गुरु के लग्न वाले जातकों की कुंडली में शुक्र अच्छा फल नहीं दे पाता, शुक्र की राशियों वाले लग्न के व्यक्तियों को गुरु अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाता है। जिस प्रकार की हम वो भी देखते हैं कि मंगल और बुध हैं, मंगल की राशियां मेष और वृश्चिक के लग्न वालों के लिए बुध अच्छा नहीं माना गया है। वो या तो छठे भाव का स्वामी होता है मेष लग्न में, या आठवें भाव का स्वामी होता है वृश्चिक लग्न के लिए। इसी प्रकार बुध की जो लग्न है मिथुन और कन्या, उनके लिए भी मंगल छठे या आठवें भाव का स्वामी होता है। तो इस तरह से जो हम ये बताते हैं कि इनमें यहाँ पर मानसिकता का ही विरोध होता है, आपस में ऐसे कोई शत्रुता ऐसा सच नहीं दिखती, इनकी मानसिकता का विरोध होता है। और जैसे बुध प्रधान व्यक्ति है, एक बार दो बार या तीन बार सोचकर कोई निर्णय लेता है, और जबकि मंगल प्रधान व्यक्ति जो है पहले काम करते हैं और बाद में सोचते हैं। तो ये मानसिकता का जो फर्क है यही गुरु और शुक्र की प्रवृत्तियों में भी है और मंगल और बुध की प्रवृत्ति, हमने उदाहरण लेके जानने की कोशिश की। यदि गुरु जातक के लिए अपनी स्थिति और स्वामित्व की दृष्टि से, मतलब कि वो कहाँ बैठा है कुंडली में, कहाँ उसकी स्थिति है और किन किन भावों का स्वामी है की दृष्टि से लाभदायक होता है कुंडली में, और अन्य ग्रहों से जुड़ा हुआ हो किसी भी तरह से, तो जातक की सही सोच विकसित करता है, उसका जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो सही रहता है, सही डायरेक्शन में जाता है, गलत नहीं जाता। उसकी स्थायी आदतें पड़ जाती हैं, जो भी आदतें पड़ती हैं वो स्थायी रहती हैं, छोड़ता नहीं है उनको, एकाग्र होकर वो काम करता है और मंत्र ध्यान पाठ कुछ भी वो कर सकता है। इसके अतिरिक्त गुरु को इंद्र का भी प्रतिनिधि माना है, भारतीय साहित्य में ये शक्ति का प्रतीक माना गया है। वेदों में ऋग्वेद और ऋतुओं में हेमंत ऋतु, दिसंबर जनवरी का महीना जो है इसका प्रतिनिधि माना गया है गुरु को। ये सत्व गुण प्रधान तथा सत गुणों का दाता है, सदगुण देता है व्यक्ति। हमारा भाग्य गुरु द्वारा संचालित होता है, हमारा हमारी किस्मत, हमारा लक। इसके अतिरिक्त समृद्धि का प्रमुख कर्ता धर्ता भी जो है वो गुरु ही है, इसीलिए इसे भाग्य विधाता भी कहा जाता है, क्योंकि ये धन संपत्ति और परिवार का प्रमुख कर्ता है। ये हमारा हो गया इसके बारे में विभिन्न तरह तरह के विचार। अब हम आ जाते हैं ज्योतिष पर। किसी भी जातक की कुंडली में गुरु और नवम भाव ये बताते हैं कि जातक ने कितने अच्छे काम या बुरे काम अपने पिछले जन्म में किए हैं, और इस जन्म में उसे कितनी सफलता, मान सम्मान, यश और जीवन में मिल सकता है। कुंडली में अन्य ग्रह कितने भी अशुभ भावों में बैठे हों, कितने भी खराब हों, कितनी भी कठिनाइयों की ओर संकेत करें, यदि गुरु कुंडली में बलवान है और सुस्थापित है, केंद्र का गुरु सबसे बलवान माना गया है। अपने शास्त्रों में भी कहा है कि एक गुरु यदि केंद्र में हो और सारे ग्रह अच्छे भावों में नहीं बैठे हों तो वो गुरु भी उस कुंडली को बलवान बना दे। तो गुरु यदि सुस्थापित हो और अच्छे भावों का स्वामी हो तो जातक को अंतिम क्षणों में सहायता मिल जाती है। लास्ट मोमेंट में कोई मदद चाहिए, उसको परेशान हो रहा है तो वो उसको उपलब्ध हो जाती है। कुंडली में अशुभ ग्रह कितनी भी से कठिनाइयां दें, परेशानियां दें, गुरु जो है अंतिम क्षणों के मित्र की तरह प्रकट होकर उसकी सहायता। इसके दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं छोटे छोटे। एक बार एक पुलिस सिग्नल पर एक बाइक रुक जाती है, टू व्हीलर बाइक, और दोबारा स्टार्ट नहीं हो रही थी जब ग्रीन सिग्नल हुआ, तो उसने चालू करने की कोशिश की, नहीं हुई। उसी समय पीछे से एक कार आई, उसने उसको धीरे से धक्का दिया और वो स्टार्ट हो गई और वो चला गया। मतलब कार उसके लिए एक तरह से गुरु या भगवान माना गया, उसकी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया उसने। इसी प्रकार एक बार एक
व्यक्ति डाकुओं से घिर गया और डाकू उसको लूटने लग गए थे, उसका रुपया पैसा गहना। इतने में डाकुओं ने देखा कि पीछे से एक जीप आ रही है, तो उनको लगा कि ये जीप पुलिस की जीप है और वो सब अपना भी सामान और उसका भी सामान छोड़ के भाग गए। तो जो व्यक्ति जीप में आ रहा था वो वास्तव में पुलिस नहीं था, लेकिन उसने उस व्यक्ति की सहायता करी और उसको उसके सामान के साथ जहां उसको जाना था वहां छोड़ भी दिया। तो जो एक शुभ ग्रह गुरु जो है कुंडली में यदि सुस्थापित है और अच्छे भावों का स्वामी है, तो अंतिम क्षणों की सहायता प्रकट होकर वो तुरंत कहीं ना कहीं से आपको देता है और आपको मुसीबत से बचा लेता है। गुरु जो है अग्नि प्रधान ग्रह है, तेजस्वी है, भव्य है, भव्यता देता है, तेजस्विता देता है, अच्छे फल प्रदाता है, पुरुष ग्रह है और प्रसन्न चित्त रखता है व्यक्ति को। वह व्यक्ति दुखी नहीं रहता कभी भी, आशावादी रहता है, खर्चीला रहता है, सकारात्मक, और इसीलिए हमारे जीवन के लिए व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। कुंडली में गुरु यदि शुभ स्थिति में हो तो उच्च कोटि की तार्किक क्षमता, मंगल भी तार्किक क्षमता देता है और गुरु भी उच्च कोटि की तार्किक क्षमता, मतलब कि व्यक्ति कुतर्क नहीं करता है, जो भी वो तर्क देगा लॉजिक देगा वो मान्य होंगे, लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, फिर लोग वो उसका जवाब नहीं दे पाते, और उचित निर्णय करने की क्षमता देता है व्यक्ति को। मस्तिष्क में उच्च कोटि के विचार आते हैं, आत्मिक विकास होता है। इन सबों का कार्य कर्ता धर्ता जो है गुरु ही माना गया है। शैक्षिक रुझान, शिक्षा के प्रति रुझान जो है वो गुरु देता है। इसके अतिरिक्त कानून, कानून का अध्ययन या अध्यापन, धर्म का, दर्शन का, इन सब का पढ़ना या पढ़ाना, दोनों तरह के गुण गुरु देता है। इसके अलावा बैंकिंग, बैंकिंग से जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें मंगल, गुरु और बुध इनका प्रमुख रोल होता है। प्रबंधन का काम, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारा काम जो है वो गुरु ही प्रदान करता है। वाणिज्य और व्यवसाय, इन सब का कारक कर्ता धर्ता गुरु ही है। यही बताता है गुरु की व्यक्ति कितना धार्मिक है, व्यक्ति बड़ों का कितना मान सम्मान करता है और धर्म ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों में कितनी श्रद्धा रखता है। ये गुरु का ही काम है। जिनका गुरु अच्छा नहीं होता वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते इन सब चीजों में, बल्कि इनके प्रबल आलोचक होते हैं, ऐसा देखा गया है। गुरु की जो राशियां हैं वो दो हैं, धनु और मीन राशि। कर्क राशि में ये उच्च का होता है। धनुर्धारी या शिकारी धनु राशि का चिन्ह है, कोई भी शिकारी उसका चिन्ह है। अतः जो व्यक्ति गुरु द्वारा संचालित होते हैं या जो गुरु जिनका रूलिंग प्लैनेट होता है या धनु लग्न होती है, ऐसा मान लीजिए, वो सतर्क और अच्छे निशानेबाज हो, उनका निशाना भी बहुत अच्छा रहता है। घर से बाहर खेलने वाले खेल, व्यायाम उन्हें पसंद आते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं, कुछ खेल कूद में बहुत रुचि धनु लग्न वाले विशेष रूप से, अन्यथा उन्हें बेचैनी होने लगती है, वो घर में रहकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि खेलने कूदने का और वो भी बाहर, घर से बाहर आउटडोर गेम्स खेलने का ज्यादा उन्हें शौक होता है। धनु राशि का यात्राओं पर भी अधिकार है। कौन सी यात्राएं? लंबी यात्राएं, दूरी की यात्राएं, क्योंकि नवी राशि है और नवा भाव जो है हमारे लंबी दूरी की यात्राएं बताते हैं। तो खगोल की नवी राशि है इसलिए नवा भाव हमें लंबी लंबी यात्राएं देता है। तो नवी राशि होने के कारण धनु राशि भी हमें लंबी लंबी यात्राएं, देश विदेश की भी शामिल होती है, वो देती है। इसके अतिरिक्त ये द्विस्वभावक राशि भी है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसको पसंद रहता है। स्थिर राशि नहीं है, पेंडुलम की तरह घूमते रहते व्यक्ति, जाता है फिर आ जाता है, फिर जाता है फिर आ जाता है, इस तरह का उसका व्यवहार, उसको पसंद आता है। इसकी जो दूसरी राशि है मीन राशि, मीन राशि का व्यक्ति थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, चुप रहता है, अपने आप में ज्यादा मस्त रहता है, आराम पसंद रहता है। लंबी लंबी यात्रा तो उसको भी पसंद है क्योंकि वो बारहवीं राशि है, विदेश गमन के योग बनाती है, तो देश में या दूसरे देश में जीवन बिता सकता है ऐसा व्यक्ति मीन राशि की लग्न वाला। भावुक किस्म का होता है, धर्म में गहरी आस्था रखता है और रहस्यों के प्रति उसकी रुचि बहुत रहती है। बारहवां भाव रहस्यों का भी है, बारहवीं राशि रहस्य। इसके अतिरिक्त जातक जो है जासूसी के कामों में भी रुचि लेता है, क्योंकि बारहवें भाव से ही हम जासूसी का व्यवसाय देखते हैं, तो इसलिए वो जासूसी के काम में भी रुचि ले सकता है या फिर इसी कर पर लेखन का कार्य करता है। अगर वो खुद जासूसी नहीं करेगा तो वो जासूसी उपन्यास वगैरह लिख सकता है या फिक्शन वगैरह लिख सकता है।
गुरु का नियम और कानूनों पर अधिकार है। गुरु प्रधान जातक कानून का पालन करने वाला सच्चा ईमानदार वफादार एवं कर्तव्य परायण होता है। इसके अतिरिक्त जातक तर्क प्रवीण, मैंने पहले भी आपसे कहा कि तार्किक क्षमता उसकी बड़ी जबरदस्त रहती है और खुले विचार पुरुष ग्रह है इसलिए खुले विचार। गुरु मीन राशि पर अधिकार रखता है, ये आकाश की 12वीं राशि भी है, ये हमने पहले भी कहा, जो छठी राशि कन्या के सामने वाली राशि है। तो ये सौर मंडल का अस्पताल भी मानी जाती है, 12वीं राशि सौर मंडल का हॉस्पिटल है, एक तरह से हॉस्पिटल को भी हम 12वें भाव से ही देखते हैं। 12वीं राशि जो है सौर मंडल का अस्पताल है। इसके अतिरिक्त ये राशि ये भी बताती है कि व्यक्ति जो है मुंह से दवाई खाकर ठीक होता है, मेडिसिन। और प्राचीन समय में जब हमारे वैद्य वगैरह जो दवाइयां देते थे, कविराज वगैरह, तो वो गुरु की होरा में दवाई खाने की सलाह दिया करते थे कि गुरु की होरा से दवाई खाना शुरू करो तो आप जल्दी ठीक हो जाओ। इसके अतिरिक्त हिंदू चिकित्सक जो थे, वो जो हिंदी का दो अक्षर होता है ना टू, इसको हम कहते हैं, इस तरह का चिन्ह जो है अपने कागज पर जब दवाइयां लिखते थे तो कोने में चिन्ह गुरु का चिन्ह बना दिया करते। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं डॉक्टर्स जब दवाइयां लिखते हैं तो आर का चिन्ह बनाते, वैसे वो ऐसे बना देते थे टू का चिन्ह, जो हिंदी का दो होता है ना वो वैसा चिन्ह बनाते थे। गुरु प्रधान लोग जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुंह से दवाई खाकर ठीक होना पसंद करते हैं, उनको ऑपरेशन और ये सब ज्यादा पसंद नहीं, ऑपरेशन का कारक मंगल है, किसी सर्जन की सहायता लेना उन्हें पसंद नहीं है, सर्जरी में हालांकि मंगल आते हैं। जहां तक संभव हो कोशिश होती है इनकी कि सर्जरी ना हो। शुभ तथा कारक होकर गुरु भद्रता प्रसन्नता और भव्यता प्रदान करता है, भव्य बहुत रॉयल टाइप। इस तरह सहयोग और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, जीवन में उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है व्यक्ति को हमेशा, वो दार्शनिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के विचारों से जुड़ा रहता है, चरित्रवान होता है, नैतिक मूल्यों का पालन करता है और सुख और शांति प्राप्त करता है, जीवन में उसको कष्ट नहीं मिलता कुछ भी, दुखी भी नहीं रहता वो, समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य भी उसको गुरु देता है, इसलिए वो स्वस्थ भी रहता है और समृद्ध भी होता है, दोनों तरह के। मतलब सोचिए गुरु की क्या विशेषताएं हैं, जिनकी कुंडली में गुरु अच्छा हो, वेल पॉजिटेड हो और अच्छे भावों का स्वामी हो, उसको क्या नहीं मिलता। और संतोष भी उसका प्रधान गुण रहता है कि वो संतोषी भी रहता है, उच्च कोटि की इच्छा है कि अब ये पूरी हो गई तो दूसरी आ जाए, दूसरी इच्छा हो जाए, ऐसा उसके मन में नहीं आता है, संतोषी जीव कहलाता है। लेकिन यदि गुरु पापग्रस्त हुआ, ये शुभ के लक्षण हमने बताया, अब यदि वो पापग्रस्त होता है तो वो भी बिगाड़ता है काम, तो वो या तो वो पापग्रस्त हो या वो दूर स्थानों का स्वामी हो। हमारे जो दूर स्थान है वो छठा आठवां और बारहवां, इन भावों में से किसी भी भाव का स्वामी हो, तो क्या होता है जातक संतुलित मन का नहीं रहता, उसका जो माइंड है वो बैलेंस नहीं रह पाता है, असंतुलन उसमें चलता रहता है, वो अतिवादी हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, एकदम अड़ जाता है एक्सट्रीमिस्ट होकर, अत्यधिक खर्चीला, पैसा उड़ाने वाला, लापरवाही और कर्जे लेने वाला, और कर्जे लेने वाला सतत मतभेद करता है, झगड़े करता है, बार बार बोली भी लगा सकता है वो, बोली लगाने वाला जो होता है, और जुए में हानि उठाता है, बार बार बेचैन होकर प्रयास करता है और जुए में लगा रहता है, उसके ऊपर बैंकों और कर्जदारों का जो दबाव है वो भी बना रहता है, संतान की तरफ से उसकी चिंता लगी रहती है उसको हमेशा, इसका आकारक होता है, और झूठी इज्जत बचाने के प्रयास में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है, जिसमें समाज सेवी संस्थाएं, मंदिर, धार्मिक और परोपकारी संस्थाएं भी शामिल होती, दूसरों पर विश्वास करके धोखा खाता है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करता है, गलती करता है, उसका पेट भी अव्यवस्थित रहता है, हमेशा गड़बड़ रहता है पेट, और गलत इंट्यूशन रहती है उसकी, पूर्वानुमान वो गलत लगाता है। इसके अतिरिक्त मतलब अन्य पाप ग्रह उसके साथ या तो बैठे हों या उसे देखते हों या वो स्वयं अकारक भावों का स्वामी हो, तब इस तरह के रिजल्ट हमें मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं शारीरिक गठन। गुरु को न्यायाधीश कहा गया है, जज, न्यायाधीश। शेक्सपियर ने एक न्यायाधीश के बारे में कहा है कि वो अच्छी गठन वाला मोटा व्यक्ति, मोटे पेट वाला व्यक्ति होता है, गुरु की ये खासियत है। इसी प्रकार गुरु प्रधान व्यक्ति भी बचपन से ही अच्छी गठन लिए रहते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, काफी हेल्दी रहते हैं, और घर से बाहर खेलने के कारण उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं,
और आगे चलकर जब वो बड़े हो जाते हैं तो और मजबूती आ जाती है, लोग उसे देखकर ही सम्मान देने लगते हैं, ये ऐसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये लोग अपने आप ही रेस्पेक्ट कर। इसके अतिरिक्त जैसे कि उदाहरण दिया है कृष्णमूर्ति जी ने कि एक सीट, एक व्यक्ति जो है दो व्यक्तियों पे बैठने वाली सीट पर बैठा हुआ है, इतने में यदि गुरु प्रधान व्यक्ति कोई आता है वहां तो वो व्यक्ति उसके लिए उठ के खड़ा ही हो जाता है और उसको सीट दे देता है। वो इसलिए नहीं कि सम्मान तो कर ही रहा है खैर, लेकिन वो इसलिए भी रखता है कि कहीं वो दब ना जाए उनके आगे, इसलिए वो खड़ा हो जाए। अब हम देखते हैं कि गुरु का हमारे शरीर के किन किन अंगों पर अधिकार है। गुरु का हमारे लीवर, ट्यूमर, रक्त संचरण जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में, और शरीर की चर्बी, जितना भी फैट हमारी बॉडी में है, उन सब पर गुरु का अधिकार। गुरु द्वारा प्रदत्त कौन कौन से रोग गुरु द्वारा दिए जाते हैं? लीवर संबंधी तकलीफ है, जॉन्डिस, ड्रॉप्सी, फ्लैटलेंस, जो पैरों के नीचे पैर बिल्कुल चपटे हो जाते हैं कईयों के, वो बीमारी होती है, चपटे पैर जिसको हिंदी में बोलते हैं, डिस्पेप्सिया, घाव, हर्निया, त्वचा रोग, मस्तिष्क में अवरोध, कटहरा मतलब जुकाम वगैरह और नाक बंद रहना, ये सारे भी हैं, ये भी जो है गुरु द्वारा प्रदत्त रोग है। पशु, इसके पशु कौन कौन से कहे गए हैं गुरु के? घोड़ा, हाथी और बैल, ये तीन इसके पशु माने, और पक्षियों में मोर आता है। स्थान इसके जो हैं वो है मंदिर, न्यायालय, कॉलेज, स्कूल, बड़े बड़े महलों जैसे मकान या भवन, दरबार हॉल, विधानसभा भवन, ऐसे भवन या हॉल जहाँ पर पंडित लोग उपदेश देते हैं, धार्मिक उपदेश देते हों, अनुष्ठान करते। राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक में क्या हस्तक्षेप है गुरु का? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनमें भारी भारी खर्चा किया गया हो। आज ही मैंने न्यूज पढ़ी थी, तेलंगाना में एक मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर, 2-3 साल से बन रहा है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं हजारों करोड़ रुपए के, वो प्रोजेक्ट्स और वो भी मंदिर स्पेशली गुरु के कारण, वो गुरु उनका खास सहायक। विश्वविद्यालयों और भवनों का निर्माण, समाज सेवी संस्थाओं के भवन, अस्पताल, चिकित्सालय, औषधालय या आइसोलेटेड किए गए हॉस्पिटल, क्वारंटीन में जो करे गए हैं जैसे आजकल चल रहे हैं वो हॉस्पिटल। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के या बैंकों में रहने कर्मचारियों के भवन या उनके मकान, चर्च, मस्जिद, मंदिर और न्यायालयों का जीर्णोद्धार भी ये कर सकते हैं गुरु प्रधान, या गुरु का स्थान अधिकार है वहां पर, जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। आर्थिक क्षेत्र में गुरु का क्या महत्व है वो हम देखते हैं। बिना नियंत्रण के खुला व्यापार, अच्छी उपज, अच्छा उत्पादन, नकदी का अच्छा आवागमन, पैसा कैश खूब हैंडल होना, रिजर्व बैंकों में धन का आना और जमा हो, विदेशों से लाभ, उनकी सहायता, विदेशी मुद्रा से लाभ, स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधियों में उठान, शेयर की कीमतों में उछाल और नई नई कंपनियों का अस्तित्व में आना, उनका लाभांश बहुत अच्छा होना, प्रॉफिट। इसके अतिरिक्त बोनस शेयर दिया जाए, सरकार को इनकम टैक्स और अन्य साधनों से, अन्य टैक्सों से खूब इनकम होना, ये आर्थिक क्षेत्र में गुरु का अधिकार। अब आता है उत्पाद, इसके उत्पाद क्या क्या है? सभी चर्बी युक्त खाद्य सामग्री, हमारे शरीर में भी ये चर्बी का कारक है तो व्यवहारिक क्षेत्र में, शरीर के बाहर भी, दुनिया में भी ये चर्बी का कारक माना गया है। गुरु जितनी भी खाद्य सामग्रियां हैं उनमें जो भी फैट कंटेंट है वो इस पर गुरु का अधिकार है। घी, मक्खन, मिठाइयां, बड़े बड़े पेड़, रबर, धातुएं, विभिन्न धातुएं जिनमें टिन और सोना, ये इसके उत्पाद माने हैं। अब हम आते हैं गुरु के विभिन्न ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध। गुरु का सबसे पहले सूर्य के साथ दृष्टि संबंध, गुरु यदि सूर्य के साथ बहुत शुभ दृष्टि संबंध बनाता है तो जातक उन्मुक्त दृष्टिकोण वाला होता है, खुलापन रहता है उसके नेचर में, भरपूर तेजी से आगे बढ़ता है। इसके अतिरिक्त किसी भी गंभीर बीमारी फटाफट ठीक हो जाती है उसका, गुरु भी शुभ है और सूर्य आत्मिक बल देता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो ये दोनों मिलके व्यक्ति की किसी भी गंभीर बीमारी को भी ठीक कर देते हैं। तो हमें कुंडली में यदि किसी के रोग सही होने की संभावना देखनी हो तो कुंडली में गुरु की स्थिति और सूर्य की स्थिति जरूर देखो, बाकी सब चीजें बाद। जातक को मित्रता मिलती है, अच्छे दोस्त मिलते हैं, वो प्रसन्न रहता है, उसे सबसे सहानुभूति मिलती है, वो किसी से बदला नहीं लेना चाहता, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत रहती है इस शुभ दृष्टि संबंध की। और उसकी जो सोच है
वो स्पष्ट रहती है चीज, वो कंफ्यूज नहीं रहता कभी भी व्यक्ति, और अच्छी तरह से कार्य करता है, उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य करता है और निर्णय भी अच्छे लेता है। आमदनी के लिए, इनकम के लिए सदैव सही साधनों का इस्तेमाल करता है, कभी पैसे के पीछे नहीं भागता। ये हम बात कर रहे हैं शुभ दृष्टि संबंध की, जब सूर्य और गुरु अच्छे भावों के स्वामी होकर शुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं। ये चीज आप जरूर देख ले, ठीक है, कभी पैसे के पीछे नहीं भागते ये लोग, दूसरों को हानि पहुंचाकर इनको लाभ कमाना अच्छा नहीं लगता। जैसे हम देखते हैं कि बुध यदि जातक को प्रमोशन देता है तो उच्च अधिकारी की बदली होती है, ये एग्जाम्पल दिया है कृष्णमूर्ति जी ने कि उसकी ट्रांसफर होती है। यदि बुध किसी को प्रमोशन दिलवाना हो तो उसका अधिकारी कहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी जगह भरने के लिए प्रमोशन होता है। यदि शनि प्रमोशन देता है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि अधिकारी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद इसका प्रमोशन होता है। यदि गुरु प्रमोशन का कारक बनता है और यदि उसकी दशा अंतर दशा भी चल रही हो तो ऐसा होता है कि कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाता है, एक्सटेंशन होता है, नए नए पदों का सृजन होता है, नए पद आते हैं और उसमें फिर बहुत से प्रमोशन होते हैं जिसमें व्यक्ति का प्रमोशन होता है। तो ये चीजें हमें जब भी हम प्रेडिक्शन करें हमें ध्यान से देख लेना चाहिए कि यदि व्यक्ति का प्रमोशन है तो कौन सा ग्रह उसके प्रमोशन का कारक बन रहा है। जातक धार्मिक विचारों का होता है, इस दृष्टि संबंध से किसी भी धार्मिक संस्था का आधार स्तंभ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त वो कानूनी, आर्थिक, राजनैतिक, बैंकिंग और शिक्षा विभाग तथा शिक्षा से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं में काम कर सकता है, मतलब लीगल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, आर्थिक क्षेत्र में भी, पॉलिटिकल राजनीतिज्ञ भी बन सकता है और बैंकर भी बन सकता है और एजुकेशन में तो वो जा ही सकता है। ये चार पांच इनके प्रमुख गुरु और सूर्य के जो हैं विभाग हैं जिनमें वो व्यक्ति कार्य कर सकता है, यहाँ तक कि वो कभी कभी राष्ट्रपति, मेयर, काउंसिलर इत्यादि भी बन सकता है। सम्माननीय पद जातक को तभी मिलते हैं जब सूर्य, चंद्र और गुरु कुंडली में शुभ दृष्टि संबंध बना और गोचर में भी उसकी कुंडली के। अब आते हैं हम चंद्र और गुरु का शुभ दृष्टि संबंध। एक चीज और मैं बता दूं कि यदि सूर्य और गुरु का दृष्टि संबंध अच्छा नहीं होता है तो उचित परिणाम नहीं मिलते बल्कि इसके विपरीत परिणाम मिलते। चंद्र और गुरु का शुभ दृष्टि संबंध बनता है तो जातक उत्कृष्ट, आकर्षक और चुंबकीय गुणों से भरपूर होता है, लोग उसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। इसीलिए गज केसरी योग को बहुत अच्छा माना गया है, उसमें चमत्कारिक एक चुंबकीय आकर्षण होता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त तो वो पूरा पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है, आशावादी होता है, जातक लोकप्रिय, ईमानदार और साफ सुथरा होता है। जैसे जैसे जातक बढ़ता है उसका शारीरिक गठन भी मजबूत होता जाता है, उसकी तार्किक क्षमता बढ़ती जाती है, विचार शैली स्पष्ट और कल्पना शक्ति प्रचुर होती है, फल देने वाली होती है। उसके जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी उन्नति का कारक गुरु और चंद्र का शुभ दृष्टि संबंध है। कोर्ट केस या मुकदमेबाजी से कभी उसको परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है, जातक खर्चीला भी नहीं होता है, वो अपनी आय और साधनों से बढ़कर कभी खर्च नहीं, ये शुभ दृष्टि संपन्न होने से है। कभी जुए सट्टे में पैसा नहीं लगाता, कभी उसे शेयर या जुए सट्टे में जीतने की इच्छा नहीं होती और इनका अशुभ दृष्टि संपन्न संबंध जो है सारे विपरीत परिणाम देता। अब आता है मंगल और गुरु का शुभ दृष्टि संबंध। यदि इनका शुभ दृष्टि संबंध बनता है तो जातक समर्थ, वफादार, ईमानदार और उच्च विचारों वाला होता है, स्पष्टवादी होता है, वह ना तो खाऊ उड़ाऊ होता है जिसको हम भोगवादी कहते हैं या भोगी व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं, और ना ही रूढ़िवादी होता, रूढ़िवादी भी नहीं होता वो अभी भी। वह व्यापार में सफल रहता है, समाज में भी लोकप्रिय रहता है ऐसे व्यक्ति। मौलिक और रचनात्मक योग्यता उसकी अच्छी बड़ी चढ़ी रहती है, जो भी काम हाथ में लेता है उस काम में सफल होता है। खुले आसमान के नीचे खेले जाने वाले खेल उसे बहुत आकर्षित करते हैं और खिलाड़ी होने के कारण वो एक देश और विदेश में नाम कमा सकता है। इसके अतिरिक्त उसे खेल संगठन में उच्च कोटि के पद भी मिलते हैं, जैसे अपने सचिन तेंदुलकर हैं, रवि शास्त्री हैं इत्यादि की कुंडली में हमें देखना चाहिए ये सब। इन दोनों ग्रहों का शुभ दृष्टि संबंध जातक को यात्राओं से लगाव, नेतृत्व की क्षमता और दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करना सिखाता है। शरीर स्वस्थ रहता है
और किस कुछ भी चीज आत्मसात करने की योग्यता देता है, विचार हो, कर्म हो, ये सब। इसके अतिरिक्त शक्ति और सामर्थ्य बड़ी चढ़ी रहती है। वो जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बैंक एजेंट, किसी भी इंडस्ट्री का डायरेक्टर, किसी संस्था का अध्यक्ष या धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष या जजेस, इन पदों पर सुशोभित हो सकता है। जब भी जातक की इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है, उसे ये सारे शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत यदि दृष्टि संबंध अशुभ हुआ तो अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। वो प्रयास करता रहता है लेकिन उसके मन मुताबिक उन्नति के परिणाम प्राप्त नहीं। खेल में भी वो सफल नहीं रहता है, बहुत मेहनत करता है लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। बुध और गुरु का यदि शुभ दृष्टि संबंध बनता है तो ये जातक के लिए वरदान के समान। उसकी सोच हमेशा सकारात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, चाहे उसका समय कितना भी खराब क्यों ना चले, वो आशावादी रहता है, आशावादी बना रहता है कि मेरा अच्छा समय जरूर आएगा। खुले विचारों और मौलिक विचारों का होता है। अपनी बुद्धि और योग्यता से श्रेष्ठ निर्णय लेने की क्षमता, सही कार्य और ज्ञान का पता लगा ले। बुद्ध के कारण चाहे वो निर्णय लेने में थोड़ा टाइम लगा है, बुद्ध क्या बार बार सोचने की प्रवृत्ति देता है, लेकिन बाद में जो निर्णय लेते हैं वो फिर परिवर्तित नहीं होते, फिर वो निर्णय लेकर उस पर कायम रहते। कानून, साहित्य, इन दोनों से जुड़ा रहता है वो। विदेशियों से संपर्क भी इनके हो सकते हैं, विदेशी सहयोग उसको मिल सकता है। इसके अतिरिक्त आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम भी वो कर सकता है। संपादन और प्रकाशन, पब्लिकेशन, ये सब कार्य भी वो कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। गणित में बहुत अच्छे होते हैं वो, गणित, बैंकिंग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या अकाउंटेंट, लेखाकार, इन सब का कार्य, ऑडिटर जनरल, इन सब का जो कार्य रहता है, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे जो क्रियाकलाप हैं इनमें ये बहुत ही अच्छे हैं। और बुध के कारण, यहाँ बुध जुड़ा है, एक से अधिक व्यवसाय से वो जुड़ा रह सकता है। अब शुक्र के साथ आते हैं, इनके विपरीत संबंध गुरु और बुध के भी, फिर बहुत अच्छे रिजल्ट, जैसा व्यक्ति चाहता है पॉजिटिव रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल पाते। प्रयास वो हर क्षेत्र में करेगा लेकिन प्रमोशन और सफलता मिलने में दिक्कत। यदि शुक्र गुरु के साथ शुभ दृष्टि संबंध बनाए तो जातक भाग्यशाली और सफल होता है। जीवन में खुशबू, खूब संपदा इकट्ठी करता है, बहुत प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, ये सारी चीजें समृद्धि उसके आती है। सभी फलों का जो जीवन के फल हैं उनका सुख भोगता है, उसके कोई कमी नहीं रहती है। जीवन साथी भी उसको अच्छा मिलता है। समाज में वो अपनी मान मर्यादा बनाकर रखता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, खुद भी हंसता है और दूसरों को भी हंसाता रहता है। बड़े दिल वाला और आशावादी होता है, जीवन पर्यंत सुख भोगता है, दुनिया में घूम घूम कर खूब मित्र बनाता है और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता है। उसे कभी भी धोखेबाजी या बेईमानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये शुभ दृष्टि संबंध के प्रभाव है। और व्यापार में भी ऐसे पार्टनर मिलते हैं जो भाग्यशाली होते हैं और उन्नति में सहायक। इसके अतिरिक्त क्लबों और सोसाइटी में भी सभी उसे पसंद करते हैं व्यक्ति को। यदि जातक राजनीति में हो ऐसा व्यक्ति, तो आम जनता बहुत पसंद करती है, पब्लिक भी पसंद करती है, उसे सम्मान देती है। यदि वो व्यापार करता है तो उसके कस्टमर कभी निराश नहीं होते। बैंकर्स भी अपनी जो सीमा पार करके उसे मदद करने को तत्पर रहते हैं। यदि वो बैंक में जाता है कुछ काम है तो उसको मदद मिलती है। वकीलों और जजों की भी समय पर सहायता मिल जाती है। शुक्र और गुरु की युति व्यक्ति को अकाउंटेंट जनरल तक बना सकती है। अतः जातक को कभी भी पेंशन या पे स्लिप या अकाउंट्स कुछ भी प्राप्त करने में कभी कठिनाई नहीं, सभी कार्य उसके समय पर हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि गुरु और शुक्र के दृष्टि संबंध अच्छे नहीं होते तो उन्हें कभी भी समय पर पेंशन नहीं मिलती, और चाहे वो कितनी भी प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते हैं, ये एक चीज आई। और फिर इतना नाम, यश, प्रसन्नता, सफलता प्राप्त नहीं। अब हम आ जाते हैं जातक की कुंडली में गुरु पर शनि की दृष्टि, इनका शुभ दृष्टि संबंध। यदि इनका शुभ दृष्टि संबंध हो तो जातक को ऑडिटिंग, खातों के निरीक्षण द्वारा, संगीत द्वारा, पशुपालन द्वारा, सट्टे या स्टॉक द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, वाहन द्वारा, जैसे गाड़ियां हैं, वाहन हैं, खुशबू से भरे हुए सामान द्वारा, इन सबसे बहुत फायदा होता है। इसके अतिरिक्त वो हीरे जवाहरातों का काम भी कर सकता है, शनि उनका कारक है। जातक का झुकाव दार्शनिक और धर्म और दर्शन की तरफ बढ़ा चढ़ा रहता है।
अपने रिश्तेदारों और मित्रों से बहुत अधिक लगाव नहीं रखता हूँ। न्याय के प्रति उसका झुकाव बहुत जबरदस्त रहता है। ईमानदारी के कारण जातक छोटे और बड़ों को वो प्यार पाने में सफल होता है और देने में भी सफल, दोनों का प्यार पा सकता है। समाज में उसे सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त ये जातक माइंस का स्वामी हो सकता है क्योंकि शनि माइंस का कारक है। सीमेंट का डीलर हो सकता है, ठेकेदार हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, और कॉर्पोरेटिव स्कीम्स से भी जुड़ा रह सकता है। वो शीघ्र ही अमीर बन जाए। अच्छा स्वास्थ्य और संपदा के साथ वो अपनी पत्नी और बच्चों से युक्त होकर खुशहाल जिंदगी बसर कर जीवन के उत्तरार्ध में योगाभ्यास करता है और कभी कभी सन्यासी भी बन जाता। इस तरह से हमने विभिन्न ग्रहों के साथ इनके दृष्टि संबंध गुरु के देखे, और अब हम देख लेते हैं कि गुरु की दिशा और इसका रंग। गुरु का जो की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा है, ईशान कोण जो है वो गुरु का माना गया है। इसीलिए हम हमेशा ये कहा जाता है कि जब हमारी मंदिर या मूर्ति की स्थापना करें, जिसकी हमें पूजा करनी है, वो ईशान कोण में होनी चाहिए ताकि हम ईशान कोण की तरफ मुख करके उसकी पूजा करें। इसका जो रंग है वो पीला रंग बताया गया है, नींबू का रंग, हल्का पीला रंग, केसरिया नहीं है। ऑरेंज कलर जो है वो सूर्य का रंग, इसका हल्का पीला रंग बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसका जो अंक है वो तीन अंक, तीन या तीन के जितने भी टोटल हो सकते हैं, जिन अंकों का टोटल तीन आए, जैसे 12 है ना, 21 है, ये सब टोटल इनका तीन आता है, ये गुरु का अंक माना गया। रत्न जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि गुरु का जो रत्न है वो पुखराज, पुखराज जो हल्के नींबू के रंग का होता है, यदि कुंडली में गुरु सुस्थापित है, अच्छे भावों का स्वामी है, तो हम पुखराज का प्रयोग करते हैं, उसका बहुत फायदा होता है। दिन जो है इसका, दिन जो है वो गुरुवार माना, गुरुवार के दिन जब भी आपके कोई कार्य हो या गुरु की दशा अंतर दशा चले, गुरु का नक्षत्र हो या फिर गुरुवार हो, उस दिन आपके कार्य जो है वो सफल हो। ये हमारा आज का गुरु के ऊपर जो वृत्तांत था वो समाप्त। हमेशा की तरह एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत इतनी इन्फॉर्मेशन देंगे तब उसमें से थोड़ा सा लोग याद रखते हैं। तो बहुत अच्छे वीडियो के साथ मैं उत्तरा दीदी का यहाँ धन्यवाद भी करता हूँ। उत्तरा दीदी का ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर 9350584771 है। तो सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि डायरेक्टली आप उनको बात करें। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर मेरे को मैसेज करते हैं, उत्तरा दीदी का नंबर मांगते हैं, तो आप यहां से हमेशा हमारे चैनल में शुरू में भी दिया होता है और हमारे चैनल में हर बार उनका नंबर एंड में भी होता है, तो आप वहां से लेकर उनको डायरेक्ट। धन्यवाद, नमस्कार।